ओल्ड मॉडल 350। इसका लगभग सभी काम करना है जितना भी दिख रहा है, दिख क्या रहा है वैसे, ऑयल लीकेज है यहाँ पे, ठीक है। हैंडल बार का ये लाइट इन्होंने लगवा रखी है, जो कि लगवाना नहीं चाहिए फिर भी लगवाया हुआ है, तो नया डालना है। इंडिकेटर टूटा हुआ है, तो गुटका से अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नया ही डालेंगे। अभी तो कस्टमर गुटके की यही बोल रहा है, रबर जो आता है इंडिकेटर का वो डालेंगे, ये रबर जो लगता है वो, ठीक। इसके बाद सेल्फ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आगे से चक्के का जो है जाम कर रहा है, पीछे का भी चक्का जाम कर रहा है, ब्रेक्स वगैरह, चैन की हालत देख ही सकते हैं कितना काम हुआ रखा है। ये देखिए हेड भी लीकेज इसका, ठीक है। इधर ही ऑयल सील भी कटी हुई है शाफ्ट वाली, बाकी काम धीरे धीरे इसका अब चालू करते हैं, फिर आपको दिखाते जाते हैं इसमें क्या क्या काम है। अभी तो सीट खोलनी है, अब टंकी खोलना बाकी है, टंकी लगभग खुली गई है, निकाल लो वारिस। टंकी निकल गई, बाकी और काम होना जो है वो बाकी है। चलिए तो टंकी भी अभी साफ़ करना है, तो टंकी और पेट्रोल निकाल के अभी साफ़ होना बाकी है, जब तक हो रहा है तब तक अभी वीडियो में पॉज करता हूँ, बाकी काम जैसे जैसे होता है तो मैं दिखाते जाता हूँ। आने के बाद देखिए बरसात में ही खड़ी थी गाड़ी, अभी दिखाते हैं आपको इससे अंदर से निकलता क्या है। थोड़ा सा गाड़ी साफ़ कर दिया जाए, थोड़ा बहुत पेट्रोल जो हो तो वो साफ़ करने के काम में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गाड़ी हम लोग साफ़ कर ले रहे हैं। ये साफ़ हो गया, ठीक है। साफ़ होने के बाद अभी टंकी देखिएगा जादू, देखिए क्या निकल रहा है, पानी के साथ काला काला जंग। पूरा पानी इसका निकालना जरूर, पेट्रोल तो है ही नहीं। पानी क्यों भरता है आपको पता है? चलिए यार बताते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो की पाइप्स होती हैं, यहाँ से ओवरफ्लो होता है, ठीक है। एक मिनट पलटाओ थोड़ा सा, यहाँ से ओवरफ्लो होता है जो कि पूरा जाम है। ये भी अभी साफ़ करेंगे केमिकल डाल के, केमिकल अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल डाल के रात भर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो होल होता है अंदर वो सही हो जाएगा। अभी सेल्फ़ की भी दिक्कत समझ में आ रही है, बेटा सेल्फ़ मारो, थोड़ा सेल्फ़ मारो, चाबी चालू है, ये बैरिंग बस ये बैरिंग भी बनवाना है, ठीक है। इसको बनाएंगे आज और आपको दिखाते हैं बैरिंग बनती कैसे है, नहीं होगा तो फिर इसमें नया तो डालना ही पड़ेगा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, अभी यहाँ पे रुकते हैं, मतलब पानी तो निकल ही गया है, बाद में डालेंगे इसमें पेट्रोल, पहले तो सफाई ज़रूरी है गाड़ी के। इंडिकेटर लग गया है जो कि क्लासिक का लगा हुआ है, थंडरबर्ड का नहीं लगा क्योंकि था ही नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइट हो गया है। पुराना इन्होंने चाइना मॉडल पता नहीं कौन सा क्या लगवा के रखा था, अच्छा हुआ वायरिंग में कोई इशू नहीं आया। अब इसमें ऑयल ड्रेन हो रहा है, अरे तभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, एयर फिल्टर इसका ख़राब ही होगा कंफर्म है, क्योंकि इतनी डस्ट वगैरह ऑलरेडी दिख रही है। डाल दो अंदर, डाल दो, एयर फिल्टर के सारे नट धीरे धीरे, ये चारों पांचों नट रहते हैं, पांच नट, एक दो तीन चार, तो हाँ पांच नट, ठीक है, एक दो तीन चार और वो पांच, पांचों नट खुलने के बाद एयर फिल्टर बाहर होगा। एक्चुअली इसका कार्बोरेटर खोलने, क्योंकि टंकी में पानी था तो कार्बोरेटर में भी पानी है, इसको सफाई अच्छे से करना पड़ेगा। सारा नंबर
ये रहा एयर फिल्टर, ये भी ख़राबी है, स्क्रूज लगे हैं, खुलने पड़ेंगे। आराम से ए भाई, गिरा मत देना मेरे ऊपर। अब इसका अपन चेंज कर देंगे फिल्टर, क्योंकि ख़राब है ये। मैंने एयर फिल्टर लगा रहे हैं, उसके बाद अपना इधर ऑयल का काम जो है वो चल ही रहा है। ऑयल बोल्ट इसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा जाम है, खोलने में टाइम लग रहा है। पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हूँ कि ऑयल ड्रेन कैसे करना है, ठीक है। तो तीनों नट बोल्ट आपको, चार नट बोल्ट है, 2 8 नंबर के, 1 12 नंबर का और 1 17 नंबर, 19 नंबर का भी लोग लगवा देते, चूड़ी ख़राब रहते हैं, वो आपको खोलना है मेन, ठीक है। ऑयल खोलने के बाद इसको ड्रेन कर लें, ड्रेन करने के बाद ऑयल फिल्टर का से भी आपको ऑयल ड्रेन कर लेना है। जब तक हो रहा है तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। इसका स्प्रे गियर जो ख़राब था ये खुल रहा है, ठीक है। ये रहा इसका स्प्रे गियर, ख़राब है ना, ले आ दो 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 दो, इसको नया डालेंगे। ये रहने हैं जो कि 4700 रुपये का, ये लो हरिस, लो लगा दो। तब तक लग रहा है, अब तक हम दूसरा काम कर लें। इसमें इस पॉकेट की जो बैरिंग है वो भी कटी हुई है, जिसके कारण से ना गाड़ी जो है उतारने पे डिस्क पंप जाम हो जा रहा था, चक्का जाम हो जा रहा था, चें 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 आवाज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये चक्का खोल रहा है, एक्सल खोलिए, सेल्फ का आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ बन गया है, बैरिंग इसने डाल दिया था, ठीक। तो सेल्फ मारो, सेल्फ मारो, देखो, ठीक है, सेल्फ चालू हो गया। अभी इंजन में साउंड है पिस्टन वगैरह के, लेकिन अभी काम करने के लिए मना किया कस्टमर, बाद में अपन काम करेंगे इसका, तो आपको फिर वीडियो दिखाएंगे कि इंजन रिपेयर कैसे होता है। जब तक ये चक्का खुल रहा है, पीछे खींच लो, पीछे खींच लो, पीछे खींच लो, चक्का को नहीं पंप का, रुक जाओगे ना, खींचो, रुक जाओ, टेढ़ा कर बेटे गाड़ी इधर, चक्का नीचे खींच लो, हाँ चक्का निकाल लो, लगे रहने दो ना चैन को, क्या दिक्कत है, निकलेगा निकलेगा, निकाल लोगे पंप, बारह नंबर का के लिए निकाल रही है, पिन निकाल लो, ये वाली पिन निकाल, ये वाली पिन निकालो, बाहर कर, ब्रेक में नहीं फंसा है, अच्छा ऊपर फंस गया, पाइप फंस गई है, छोटी पड़ रही है, 3500, हाँ क्या लगा रहे बेटा, खाना खा के आए हो, नई वाले गोटे लेके आओ, ये नहीं लग रही है ना, ये नहीं लग रही, कहे ना बनेगा, ले घुमाओ, कुछ ज़्यादा ही जाम है, बोल्ट 3 दिन से ही खुलेगा। चले बिस्मिल्लाह, खुल गया, ले आ जा,
पाइप निकल गई, ऑयल ड्रेन होने लगा। ये बड़ी मुसीबत वाला काम हो जाता है ऑयल फिर से लाना लगाना। चलो टेढ़ी करो गाड़ी अपने तरफ जल्दी से। बस ये देखिए इस पॉकेट की हालत, हिला के दिखाओ जी। ये पूरी कट गई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डिस्को डांस। ये प्लेट टायर से इधर रखो, पहले टायर पलटा करके प्लेट टेढ़ी हो जाएगी। जाम है जाम है, ठोक दो नट लगा के, ठोको नट लगा के ठोको। रुकती नहीं है लेकिन, बस बस पिटो को गोट, बस निकल जाएगा। वो ज्यादा ही जाम, चैन चाबी ढीली कर लो ना बेटा, मोड़े में खड़ी कर दो, इतनी सारी जगह कहीं भी खड़ी कर दो। आगे पीछे करके वो निकाल लो, इस पॉकेट अंदर कर दो। हाँ अब निकल जाएगी आराम से। चलो बोलो अकल बड़ी की भैंस। नो कटिंग, निकालो निकालो एक्सेल निकालो, ठोक दिया इसे। हाँ नट लगाओ पहले, नट लगाओ नट लगाओ। लगाओ नट लगाओ, बस ठोक दो। निकल गया, हाँ बैरिंग निकालो, कैसे भी रख के निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। वन टू वन टू वन, वन वन टू टू, वन वन टू, वन टू वन टू वन, मार दो हथौड़ी ले लो बेटा। ये ऑयल सील निकालो पहले, निकाल दो ऑयल सील, पेचकस डाल के। हाँ निकालो निकालो निकालो, नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, इस साइड से निकलेगी। हाँ इधर से निकाल दो, मार दो ठोक दो, बाहर गए हैं। दोनों साइड से, वन टू वन टू, निकल गया। खराब है ना, चला ली है। अरे नंबर देख ले,